she made? Did she make them again? Again, again, again. All the lies that you told, did she believe in them? All the choices she made, did she make them again? Again. From Footballo, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब मज़े में. तो मैं आपको बताना चलूं कि पाकिस्तान के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं. मतलब उस सेंस में नहीं कह रहा मैं कि जो कश्मीर वाला वाक़या था वो तो बस चल रहा है अल्लाह खैर सल्लल्लाहु अलैहि. ये कि बारिश पे बात करना चाह रहा हूँ. बारिश में मसले चल रहे हैं काफ़ी. जैसे कराची को ले, कराची में सैलाब आ गया, ये देख लें. कराची में डिफेंस पे, नाज़ामाबाद में और नॉर्थ कराची में, सरजानी टाउन में, खुदा की बस्ती, अब्दुल्लाबाद सोसाइटी जो है वहाँ पे इतना पानी खड़ा हो गया था. वहाँ पे 107 मीटर जो है बारिश हुई है. और आपको मैं ये बताता चलूँ कि अगर आप लोग कराची वाले हैं और कराची में जो मुझे देख रहा है तो उसको तो पता ही होगा. ऐसी बात है, जो कराची से आउट ऑफ है, मतलब जैसे लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान साइड के हैं, पेशावर के हैं, तो वो उन हजरात से मैं यही गुजारिश करूँगा कि अभी आप कराची मत आइएगा. जो टूरिज़्म के हवाले से आते हैं, ट्रैवलिंग के हवाले से आते हैं, वो मत आइएगा, क्योंकि अभी हालात बहुत पेचीदा चल रहे हैं कराची के. तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजा दें, बेल आइकन है. और काफ़ी मज़े की वीडियोस लेकर आऊँगा मैं इंशाल्लाह आगे, क्योंकि एक नया सेटअप स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए जो है वीडियोस मैं बनाता रहूँगा. मसला ये है कि अभी जो बारिश के हालात चल रहे ना, उससे बहुत तेज़ बारिश होने वाली है अभी, और कुछ दिनों बाद जो है ना, हम कराची वाले जो है वो ख़ुद अभी से शुरू कर दिया है बोलना कि भाई बारिश रुक जा, या अल्लाह रहम कर हम पे, क्योंकि बारिश बहुत हुई है, बहुत बिजनेस तबाह हुए हैं इस चक्कर में, बहुत बस्तियां ख़राब हुई हैं. आप लोग से गुजारिश यही है कि अगर आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है ना लाजमी शेयर करिएगा. और जितना हो सके आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा इस पर. तो भाई लोग, मसला ये है कि एक तो कश्मीर का मसला चल रहा है और दूसरा मसला जो है वो अभी कराची में शुरुआत हो गई है कचरे की. जी हाँ, मैं कचरे की बात कर रहा हूँ. कचरा आपको पता है इतना टनों के हिसाब से बिका जाता है कराची में. कराची वाले एक तो कचरा इतना ज़ाया करते हैं, मतलब वो यूँ उठाया, हमारी गवर्नमेंट ने उनको बड़ी बड़े डस्टबिन दिए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे डस्टबिन का, क्या फ़ायदा कि जिसमें आवाम कूड़ा करकट ना फेंके बाहर फेंकती रहे. मतलब हमें अपने सिटी को क्लीन करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, हमारा फ़र्ज है. लेट्स क्लीन द कराची, ये एक मुहिम चला रहे हैं. जैसे आप फिक्स्ड वालों को ले लें, फिक्स्ड वाले एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है. अब भले वो सियासत पॉलिटिक्स में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है. बस मैं ये बता रहा हूँ कि एक अपना जो मुल्क है, अपने जो सिटी है, उसको एक हर शहरी का जो है फ़र्ज़ है कि उसको साफ़ करे, जो कि नहीं करता. यहाँ पे सिगरेट पी डब्बा फेंक दिया खाली, यहाँ पर टॉफी खाई यहाँ फेंक दिया. अब बंदा करे तो क्या करे, आप खुद सोचने जा रहा है इस चीज़ को. इस तरह नहीं चलेगा. अगर आप लोगों को लग रहा है कि कराची में अगर जो कराची के रहायशी हैं उनको किस तरह रहना है, तो भाई आप खुद अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप सारा जिम्मा गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सारी जिम्मेदार केएमसी वालों को दे रहे हैं, आप वाटर बोर्ड वालों को दे रहे हैं. हर मसले का हल जो है ना, किसी को उंगली उठा के दूसरे को नहीं दिया जाता. पहले अपने गृहवान में आप खुद जाके, उसके बाद आगे पूछें अपने आप से कि आप क्या क्या कर सकते हैं. अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो
यू विल डेफिनेटली नीड अ साइकोलॉजिस्ट. सो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग, हम लोग अगर एक हो जाए ना, हमारी कम्युनिटी जो है पाकिस्तानी, वो अगर हम लोग यूँ हो जाएँ बिल्कुल, हमारे अंदर अगर हम लोग एक तरह से कह लें कि यूनिटी अगर हम में आ जाए ना, हम लोग यूनाइटेड हो जाए एक साथ, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. हम लोग लड़ाई कर सकते हैं, हम लोग जंग लड़ सकते हैं. लेकिन क्या हम लोग नहीं लड़ सकते अभी, क्योंकि हम लोग का जो दिमाग है यहाँ पर, वो क्या बोल रहा है उसकी सुनेंगे, बातों का तो सुनते भी नहीं है भाई, सुनेंगे और उसके बाद बोलेंगे अभी यार ये तो बड़ा चे इंसान है यार, ये तो बड़ा पागल बना रहा है, इससे अच्छे तो हम हैं. मतलब हमने इतने बड़े बड़े काम तो किए हैं, इसकी तरह नल्ले तो नहीं है, वो तो खाली सिर्फ बातें करते रहे मुँह से. तो ये भाई मसले जो चल रहे हैं ना ये वाले, किसी को देखकर जेलेसी फील होना, मैं ये कहता हूँ और मैंने ये सीखा है ज़िंदगी से कि भाई आप खुद को पहले देखें. खुद अगर आप साफ पाक हैं, लेकिन कोई भी नहीं है इतना साफ पाक, कोई भी नहीं है, गंदगियाँ झूठ फरेब ये निकल जाते मुँह से. इंसान है, गलतियाँ होती हैं, अल्लाह ताला है माफ़ करने वाला, लेकिन ये कि तौबा कर लेनी चाहिए जो काम आपसे गलत हो गया हो. तो बस आप लोग जो है ना इस चीज़ को फैलाएं, जितना हो सके फैलाएं. मेरा पैगाम यही है कराची की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को, जो जो मुझे देख रहा है दुनिया की आवाम को, कि अपना आप मुल्क साफ़ करेंगे तो इसमें कोई शर्म नहीं है. अब यहाँ के लोग जो हैं, कराची की आवाम स्पेशली ये है कि कराची की आवाम बोलती है कि हम यहाँ पे जो है ना, हमें सैलरी भी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही है. अबे भाई जॉबें हैं, निकालने वाले बनो, निकल सकती हैं जॉबें अगर आप काम करोगे ना. आप डेफिनेटली टाइम को देखोगे, टाइम ड्यूरेशन जो है उसको देखोगे, आप सैलरी को देखोगे, आपकी एनर्जी कितनी लग रही है उस जगह पे, आप ये चीज़ नोट करोगे, पॉइंट करोगे आप. लेकिन अगर यही चीज़ आपको, देखो पैसे कम है ना कराची में, कोई मसला नहीं, लेकिन आप रह तो इधर रहे हो ना कराची में, आपके बाहर मुल्क तो नहीं रह रहे ना. अगर यही चीज़ आप जा रहे हो उधर दुबई में, अब मेरा एक दोस्त है वो दुबई चला गया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उसका, वरना हरामी फेमस हो जाएगा. तो सीन ये है कि वो बता रहा है कि वहाँ पे जो यहाँ के लोग काम कर रहे होते हैं, कि बड़े काम, छोटे काम नहीं करेंगे, वही छोटे काम बाहर मुल्क में करेंगे, जैसे गटर साफ कर लिए, रेस्टोरेंट में वेटरिंग की जॉब कर ली, यहाँ पे नहीं करेंगे भाई. यहाँ पे इज्जत जा रही है, यहाँ पे तो असल में मसला सारा ये रिश्तेदार है यार, ये तो बड़ा यार, मतलब बहुत मुश्किल वो है. सवाल आते हैं ना फिर जहन में कि मैं अगर फिल वक्त KFC में लग जाऊँ या मैकडॉनल्ड में काम कर लूँ, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार हमारे रिलेटिव आ जाएंगे, अरे हम देख नहीं पाएंगे उनको, वो हमें पकड़ लेंगे. अरे भाई मार थोड़ी रहे हैं, पैसे थोड़ी खा रहे हैं, तुम अपने पैसे कमा रहे हो, मेहनत के हलाल पैसे कमा रहे हो, तो फिर क्या चीज़ है, क्या चाहिए तुम्हें, मरवा लो इससे अच्छा भाई तुम किसी जगह, साफ बात है, मैं यही कहूँगा. तो भाई लोग आप सोचो, कराची के बारे में सोचो. कराची के बारे में नहीं सोचोगे तो शायद कराची आपके बारे में नहीं सोचेगा. ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. तहलील आतिफ मेरा नाम है और वीडियो ज़्यादा